हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है वो मिलेगा यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये एक रिमाइंडर वीडियो रहने वाला है, जो कि जिन बच्चों ने अभी तक एनटीपीसी लिमिटेड के अंदर अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई जरूर कर देना, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो फ्रेशर के लिए निकाली गई है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर हैं, आप एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पोजीशन जो आपका रहेगा मेरे भाई, वो रहेगा जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का, मतलब कि JET का पोजीशन रहेगा। और आपको पता होगा कि जहाँ पे ट्रेनी का पोजीशन रहता है वो निकाला जाता है फ्रेशर के लिए, और ये आपके सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी। तो आपका परमानेंट जॉब रहेगा, सरकारी नौकरी रहेगी, और यहाँ पे आपका सैलरी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग सैलरी के बारे में बात करें, देखिए सबसे पहले तो आपका एक साल का प्रोबेशन पीरियड चलेगा, मतलब कि आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। उस एक साल के दौरान जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 30,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको सैलरी देखने को मिलेगा। और जैसे ही आपका एक साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, उसके बाद जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका रहेगा 42,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। जॉब सिक्योरिटी आपको 100% देखने को मिलेगी, और NTPC एक PSU आपको देखने को मिलता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई जरूर कर देना। अप्लाई का प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, और जो इसका लास्ट डेट रहेगा, जो कि जानना बहुत जरूरी है, इसका लास्ट डेट रहेगा 13 जुलाई 2023, इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि एक रिमाइंडर वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए ध्यानपूर्वक, मोबाइल से भी मैं आपको अप्लाई करके यहाँ पे प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आप खुद भी इसको अपने मोबाइल से अप्लाई कर पाए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लाइक का टारगेट हम रख रहे हैं 900+, आपको लाइक करवाने अपने दोस्तों के अंदर, वीडियो को शेयर कर देना है, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके जरूर से बता देना कि यहाँ पे आपने क्या कर रखा है और अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट में पढ़ता रहता हूँ। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपने कमेंट करके मुझको बताया है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हम बात करेंगे उन्हीं पॉइंट के बारे में जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। इसी के साथ साथ मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा दूंगा इसी वीडियो के अंदर, और यहाँ पे आपको एक रुपया भी पे नहीं करना। तो हर कोई बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है बिल्कुल फ्री के अंदर, और यहाँ पे आपकी सरकारी नौकरी रहेगी, वैकेंसी देखने को मिलेगा NTPC लिमिटेड के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ईस्टर्न रीजन की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है, और NTPC लिमिटेड यहाँ पे आपको महारत्न कंपनी आपको देखने को मिलेगी, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी कर दिया, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका रहेगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप कह सकते हैं जूनियर इंजीनियर ट्रेनी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि सैलरी आपको उसी के इक्विवेलेंट देखने को मिल जाता है। ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका वैकेंसी रहेगा उसके लिए उन्होंने एक पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है, जिसमें आपका मेंशन कर रखा है नेम ऑफ प्रोजेक्ट कौन सा रहेगा, और यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा वो यहाँ पे मेंशन किया है, डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे वैकेंसी को मेंशन कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका पहला वैकेंसी रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा नॉर्थ करनपुरा का जॉब लोकेशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे C&I के अंदर वैकेंसी निकाला गया है, इसके अंदर भी आपका नॉर्थ करनपुरा का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ बात की जाए यहाँ पे कि आपका सैलरी क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 2 साल का यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट चलेगा, उसके अंदर आपका यहाँ पे आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा, वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग के दौरान आपका सैलरी रहेगा 24,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका 2 साल का ट्रेनिंग खत्म होगा तो जहाँ पे भी इनका प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए एज लिमिट क्या रहेगा, तो एज लिमिट जो आपका रहेगा यहाँ पे 30 साल का एज लिमिट आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन को भी मेंशन कर रखा है।
जैसे कि मैकेनिकल के अंदर अगर आपने यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल ब्रांच के अंदर, प्रोडक्शन ब्रांच के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे C&I का निकाला गया, जिसमें अगर आपने फुल टाइम डिप्लोमा किया है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, उसके बारे में पेपर पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा, यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, CVT एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसी के बेस पे सिलेक्शन रहेगा। और यहाँ पे आपको CVT एग्जाम में भी दो स्टेज आपको देखने को मिलेगा। स्टेज फर्स्ट रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, और स्टेज सेकंड जो आपका रहेगा वो भी आपका ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगा। स्टेज फर्स्ट के अंदर आपका यहाँ पे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका कवर होगा जनरल इंग्लिश, क्वांट होगा, एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, ये सारे चार आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको टोटल 2 घंटे का समय देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, और अगर आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और 1 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका यहाँ पे 0 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट है, जो आपका स्टेज फर्स्ट है, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स यहाँ पे मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके अंदर अगर आप पास हो जाते हैं तो पेपर जो सेकंड रहेगा, स्टेज सेकंड रहेगा, उसी के मार्क्स आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट के अंदर काउंट होंगे। और स्टेज सेकंड के अंदर आपको मेन फोकस करना पड़ेगा, जो कि आपका रहेगा ऑनलाइन, और इसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि 120 आपके टेक्निकल क्वेश्चन रहने वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आपका जो भी डिसिप्लिन है उसी के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा और 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ पे भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 का, मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और 1 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो यहाँ पे आपको 0 मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो आपका 30% रहेगा, मतलब कि यहाँ पे आपका 30% आपको मिनिमम लाना ही जरूरी है। बेसिकली यहाँ पे मेरिट के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कितने परसेंट यहाँ पे मेरिट जाएगा, बट आपका 30% से कम नहीं आना चाहिए। एंड यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो आपका मेरिट बेस देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर जो आपका टेस्ट का सेंटर रहेगा वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, पहला आपका रहेगा रांची का, दूसरा आपका रहेगा भुवनेश्वर का, तो ये 2 सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आपका जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड आएगा उसी के बेस पे आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और अपने यहाँ पे अटेंड करना है। रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, जो कि आप अच्छे से देख पाएंगे। सर्विस बॉन्ड यहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा 50,000 रुपये का, आपको मिनिमम 3 साल का सर्विस यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अगर आप 3 साल से पहले इसको छोड़ जाते हैं तो यहाँ पे 50,000 रुपये का जो आपने बॉन्ड साइन कर रखा है वो 50,000 रुपये कंपनी रख लेगी। और बल्कि ये सरकारी नौकरी है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप काम करना पसंद करते हैं कि नहीं करते। एंड यहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करवा के देगी। अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्टली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगा। और यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लीकेशन का डेट रहेगा वो आपका यहाँ पे 29 जून 2023 से स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो इसका लास्ट डेट रहेगा 13 जुलाई 2023 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पे आपको 15 दिन का समय मिला है, और 15 दिन के अंदर आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, बाकी यहाँ पे अगर आप बोलेंगे इसके प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा।